स्टॉल है, साड़ी है, वाह सेल्स सेल्स, आए 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 आए। सो गाइज गुड मॉर्निंग डे 3 एंड यह आई हैव अ सैड न्यूज़ इज़ कि जो लास्ट 2 डेज़ में बर्फ़बारी हुई है, बहुत ज़्यादा हुई है, तो ये जो मनाली टू लेह है, ऑल द वे लेह टिल तो तक तो अभी खुलना काफ़ी मुश्किल है। एंड अगले 2 दिन के बाद थर्ड के बाद यानी कल के बाद फिर से बर्फ़बारी दिखा रहा है, तो द बेस्ट वी कैन डू इज़ क्रॉस द टनल एंड गो सी सिसु and come back. And the reason now I realize why I didn't see even a single biker en route is Leh tak ka pura rasta jo 25 march ko rasta khula hai, jo BRO ne khula hai, record time hai is bar, that was for the military traffic, army traffic ke liye khula tha, civilian traffic abhi bhi Leh tak wala nahi khula hai. To filhal to logo ko jagate hain sabko, and because as you can see वेदर काफ़ी क्लियर हो गया एंड सामने माउंटेन्स में बहुत ही अमेजिंग सनलाइट पड़ने लगी है, जिस तरह स्नो हुआ है वो बिल्कुल अच्छे से क्लियर ब्राइट वाइट में दिखने लगा है। मनाली से ही बहुत सारे लोग ऑलरेडी मिलने लगे हैं, जो हमें रेंट पे देने को तैयार हो गए हैं, रेंट पे दे रहे हैं जो ड्रेस एंड बूट्स, स्नो बूट्स, बिकॉज दे सेइंग कि सिसु में वहाँ पे स्नो स्पोर्ट्स काफ़ी सारा है, तो वहाँ पे आई डोंट नो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आप बिना इसके कर नहीं सकते, बट अगर ऐसा है तो वहाँ भी अवेलेबल होंगे। तो ये आप देख रहे हो सामने लोगों ने पहन रखे हैं, वहाँ पे वो शॉप्स हैं, बच्चे भी देखो, बच्चे ने भी पहन रखे हैं। फाइनली ट्रैफिक खोल दिया गया है एंड इनिशियली इट वाज टोल्ड कि 11 बजे खोलेगा, बट देन सडनली हम लोग ब्रेकफास्ट ऑर्डर करने ही वाले थे, उतने में ट्रैफिक खोल दिया सडनली, तो हम लोग भागे भागे गए, अपनी गाड़ी निकाली है और अब नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अटल टनल एंड होपफुली टनल खुला है, इसीलिए शायद छोड़ दिया, तो अब हम टनल के अक्रॉस भी जा पाएंगे एंड जो एटलीस्ट प्लान बी था हमारा वो तो सक्सेसफुल हो जाएगा, प्लान ए तो हो ही नहीं पाया, प्री अटल टनल ये टीजर है अटल टनल का, मुझे ऐसा लग रहा है ये अटल टनल है एक और, बट फाइनली नाउ वी आर इन स्नो पहुंचने वाले रास्ता देख। Are finally here at the entrance of Atal Tunnel from Manali side, and look at this! Kitna zyada snow hai, guys! Everywhere snowy snow. Wow! Look at that! Look at that at the top. Beautiful. अगर थोड़ी देर में हम निकलेंगे Atal Tunnel की तरफ, that is Atal Tunnel over there. ज़्यादा रुकेंगे नहीं यहाँ, फोटो वोटो खींचे चलते हैं वंदु। और लेट्स गाइस अब यहाँ से फोटो शूट ज़्यादा देर रुकने नहीं दे रहे हैं, तो हम निकलते हैं। An experience coming out of that engineering marvel, I have to say, amazing experience. And 9 kilometer ka that entire tunnel was so good to drive inside,
And look at the view. Look at the world on this side, guys. Look at that. This is how you come out of the tunnel, and उस तरफ इज द रोड टू ले विच गोज टू ले एंड सीसू एंड किलोंग वगैरह. एंड अगर इस तरफ आओगे देन दिस स्पॉट स्मॉल स्पॉट जो बनाया हुआ आगे एज यू कैन सी वहाँ पे स्पोर्ट्स वगैरह भी हो रहे हैं. गाइस व्हाट अ प्लेस, गाइस व्हाट अ प्लेस, लुक एट दैट, व्हाट एन अमेजिंग प्लेस, लुक एट दिस. नाउ मैंने सुपर वाइड कर दिया है एंड देखो गाइस तो गाइस टाइम हो गया 11:53. हम लोगों ने जम के ब्रंच कर लिया है, पराठे पेल लिए हैं. दिस इज द ओनली स्पॉट जहाँ से हमें तार तोर नहीं दिख रहे. अदरवाइज सबसे ज़्यादा जो फोटोज़ ख़राब करते हैं वो तार और बिजली के खंभे करते हैं. तो मैं यहाँ वेट कर रहा हूँ, वंदना भी आएगी, तो विल जस्ट क्लिक सम फोटोग्राफ्स ऑफ बोथ ऑफ अस. तो प्लान हमने डिस्कस कर लिया है, अभी ले का प्लान इज स्क्रिप्ट एंड डस्टेड. कल हम यहाँ से वापस निकलेंगे अटल टनल क्रॉस करके, और कल हम जाएंगे, वी विल हॉल्ट एट शिमला. तो शिमला से देन वी विल टेक not go down to Chandigarh. Shimla se we will head towards Paunta Sahib and Nahan wala rasta, and we will go Dehradun. Jahan our sister is there, and do raate hain. Fifth entire day we'll stay at Dehradun. Maybe relax, rest, or go to Masuri and back. And then next day we will head back to our hometown. Now that it's clear to our mind that Leh nahi ho payega. Anyways, we have settled for this even this place, this experience. Has been great. It's been amazing. स्नो स्पोर्ट्स में कैसे गीली नहीं होगी तू? क्या मतलब, मेरे को गीला नहीं होना है, इसलिए लोग ये सब पहन के घूम रहे हैं, देख रहे हो ये ड्रेस. सो गाइस दिस इज द स्पॉट इन सिसु जहाँ पे सारे स्नो स्पोर्ट्स होते हैं. एंड हमने यहाँ पर आके हमने प्लान किया कि यहीं पे हम थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, लंच करेंगे, एंड यहाँ से वील हेड बैक टू मनाली फॉर द डे एंड सेटल इन मनाली, सो दैट हमारा कल का शिमला का जो डिस्टेंस है वो और कम हो जाएगा. वे टू वाटरफॉल बाय जिप लाइन. कौन सा वाटरफॉल भाई? So guys, we're all set for this, for going across this river on the zip line. इन लोगों ने सिर्फ एक ब्रिज रखा है, वॉकिंग ब्रिज, विच इज वे ओवर देयर, जिससे आप रिवर क्रॉस कर सकते हो. अदरवाइज देयर आर लॉट ऑफ दीज जिप लाइन्स जिससे आप रिवर क्रॉस करके उस तरफ जा सकते हो जहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स, जहाँ पे स्नो स्पोर्ट्स हो रहा है. एंड 300 रुपीज़ पर हेड है टू एंड फ्रो, दैट इज यू गो एंड देन यू कम बैक, स्पेंड सम टाइम एंड देन यू कम बैक लेटर. तो हम तीनों ने करा लिया है. A good way to cross the river. Wow, guys, look at this view, man. Amazing. Look at that snow, all that snow.
तो गाइस हम लोगों ने स्नो स्पोर्ट्स के लिए आए थे यहाँ पे, हालांकि स्नो स्पोर्ट्स कुछ के नहीं, बट स्नो के मजे जरूर ले लिए हमने। कुछ खास स्नो स्पोर्ट्स है नहीं, बहुत ही बेसिक से हैं वो। 10 मीटर 15 मीटर स्कीइंग करो, 10 15 मीटर बोर्ड ले लो, स्नो बोर्ड में मस्ती करो। बट एक चीज़ है, मैंने रियलाइज़ किया, अगर वो डांगरी जैसी फनी सी जोकर टाइप लुकिंग ड्रेस ले लेते तो इसमें लोटपोट हो, हाँ तो लोटपोट तो लोटपोट हो सकते थे। अब वापस जाना है, बट उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ वॉकिंग करते करते वापस जाएंगे ज़िप लाइनिंग करते हुए, एंड देन फिर वापस बैक टू मनाली फॉर द डे एंड सर्च फॉर अ गुड होटल मेबी अहेड ऑफ मनाली व्हाट से सम डाउन ऑफ या विल जस्ट ट्रैवल टुवर्ड्स शिमला मस्त। चलो फिर मिलते हैं। बैक इन द मॉल रोड ऑफ नैनी मनाली, एंड सोच रहे थे हम सीधा मनाली क्रॉस कर जाएंगे, बट देन फाइनली हम लोग यहाँ आके रुके गए बिकॉज हमें शॉपिंग करी थी, कुछ सिविल शॉपिंग करी थी घर में, बाकी लोगों के लिए फैमिली एंड फ्रेंड्स के लिए कुछ सामान लेना था, जिस टाइप के पैंट्स हैं और उस टाइप के जैकेट्स हैं ऑल जैकेट्स एंड ऑल, वो सब लेने के प्लान थे। प्लान है कि मनाली क्रॉस करेंगे, नीचे जाएंगे एंड देन मनाली के आगे ऑन आवर वे टू शिमला वी विल फाइंड सम प्लेस टू स्टे फॉर द नाइट। सुबह टाइम 6:34 एंड हम लोग ने मनाली छोड़ दिया है एंड नीचे उतर गए हैं। हमने प्लान किया कि आज हम भुंतर के आसपास कहीं, और ये देखो गाइस हॉट एयर बलूनिंग, थोड़ा रस्सी से बांध के ज़्यादा ऊपर ले आ लेते नहीं है, इसका मतलब है रस्सी से बांध के यहीं छोड़ देते हैं। अच्छा तो अभी बस वही भुंतर पे जाते हैं, तो अच्छा सा होटल देखते हैं एंड विल कॉल इट अ डे।